Welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So I welcome you in the episode 10 of CEP series. Okay. So in today's video, we're going to discuss what is the difference between metals and non-metals. In daily life, we use this word a lot of time. Okay, this is metal, this is non-metal. So on what properties we distinguish these two things, right? I'm having marker in my hand. So this marker is what? If this is non-metal. Why I'm calling this non-metal? Okay. And why I'm calling this steel bottle a metal? Okay. So that's why we're going to discuss properties. Okay. And then it becomes very easier for us to distinguish between different things. Okay. So let's see. Metals. Metals are malleable. Okay. What is malleability? Now you're all thinking, what is malleable? Malleable means, like, if I'm hammering, okay, if with the help of hammer, I'm hitting a metal continuously, I can make thin sheet of it. Okay, as you can see that aluminium foil. Aluminium foil is what? That is a sheet. Okay, that why we are able to make sheet of aluminium? Because it is metal. Okay, so metal showed the property of malleability. Okay, so iska matlab hota hai sheets. Okay, sheets mein banana. Lambi lambi sheets banana. Okay, and non-metal are not malleable. Okay. वो क्या कहते हैं, ब्रिटल हो गए, ब्रेक हो जाएंगे. अगर आप मेटल नॉन मेटल के ऊपर हैमर से मारोगे, इट विल ब्रेक. ओके, तो ये दोनों क्या होते हैं, ये इनका मतलब क्या हो गया कि ये ब्रिटल है. ओके, एंड डक्टाइल. डक्टाइल मीन्स वायर. ओके, हम इनके लंबे लंबे थ्रेड्स, लंबे लंबे वायर्स क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज डक्टाइलिटी. ओके, आपने देखा कॉपर के वायर, गोल्ड के वायर्स, ये सब देखे हैं आपने, ठीक है, ये सब. ओके, नॉन डक्टाइल, नॉन मेटल के नॉन डक्टाइल. जो मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं, ठीक है. जैसे आपको ये बॉटल दिख रही है, ये शाइनी है, ठीक है, तो ये क्या है, ये मेटल है. ओके, लस्टर है इसमें. लस्टर का मतलब क्या होता है, शाइनी. और जो नॉन मेटल है वो लस्टरस नहीं होते, वो शाइनी नहीं होते. ओके, मेटल्स जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं अपने अंदर से, ठीक है. अगर आप कॉपर वायर आपने देखे हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होते हैं, ठीक है. आप एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हो, पूरा बर्तन गर्म हो जाता है, ठीक है. तो ये सब क्या शो कर रहा है कि वो हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने अंदर से पास कर सकते हैं, ठीक है. इन द सेम वे नॉन मेटल नहीं कर सकते, दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. मेटल को हम पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है. आपने देखा है हमारी जो कार्स होती हैं, ठीक है, हमारी जो व्हीकल्स होते हैं उनके ऊपर जो वो मेटल की बॉडी बनी होती है, उसको हम अपने तरीके से पॉलिश कर लेते हैं, अलग अलग कलर्स हो जाते हैं उनके. क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो पॉलिशिंग शो करते हैं, उनको हम पॉलिश कर सकते हैं, बट नॉन मेटल को हम पॉलिश नहीं कर सकते, ठीक है. जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा लिक्विड सॉलिड रहेंगे एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. 37 डिग्री सेल्सियस हमारा रूम टेम्परेचर होता है, तो रूम टेम्परेचर पे भी वो क्या रहेंगे, सॉलिड ही रहेंगे. जैसे ये बॉटल है मेरे पास, सॉलिड ही है, लिक्विड में तो कन्वर्ट नहीं होगी या गैस में तो कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है. जैसे ये अब देखो, ये कॉपर की बॉटल है, कॉपर की बॉटल है, ठीक है, कॉपर ही तो है, सॉलिड ही तो है, ठीक है, चेंज तो नहीं हुआ. ओके, सो ये अब ये देखो, जो नॉन मेटल है वो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं, ठीक है. सॉलिड की एग्जाम्पल जैसे हो गया आयोडीन. आयोडीन नॉन मेटल है और वो सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर. ओके, लिक्विड, लिक्विड का एग्जाम्पल है ब्रोमीन. ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर. ओके, जो गैसियस है, गैसियस में क्या आ गए, सारे ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, सल्फर गैस, ये सब क्या है हमारी, हाइड्रोजन गैस, ये सब क्या है हमारी, गैसियस, ठीक है. उसके बाद आप देखते हैं जो मेटल्स हैं वो स्ट्रांग है और टफ है, ठीक है. जैसे आपको ये बॉटल दिख रही है, ये बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत टफ है, तो ये बॉटल, ठीक है. बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग और टफ नहीं होते, वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, वो गैसियस स्टेट में होते हैं मोस्टली, तो ठीक है. एक एक्सेप्शन है जो लिक्विड होता है ब्रोमीन, कुछ सॉलिड में होते हैं. तो सारे जो गैस ही है, गैस स्ट्रांग कैसे हो सकती है, ठीक है. गैस तो बहुत, आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स तो बहुत दूर दूर होते हैं, वो तो दिखती भी नहीं है इवन, ठीक है, ऑक्सीजन गैसों में कहां दिखती है, ठीक है. तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स मेटल की, आपको पता भी है, जैसे गोल्ड, ओके, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब क्या है, ये एग्जांपल्स हो गए, ठीक है. अब हम कुछ नॉन मेटल के एग्जांपल्स देख लेते हैं. नॉन मेटल के एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में मिलती है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में, सल्फर गैस, ठीक है, क्लोरीन गैस, ठीक है, नियॉन, नियॉन सॉलिड है, ठीक है, ये सब हो गया. तो ये हमने क्या कर दिया, मेटल एंड नॉन मेटल का डिफरेंस कर दिया. तो इससे अब हमें क्या पता चला कि जब भी हम किसी चीज को बोलेंगे कि मेटल है, तो हमारे माइंड में ये सारी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने क्या बोला किसी भी चीज को, कि वो मेटल है. और इन सब प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने उसको क्या बोला कि वो नॉन मेटल है, ठीक है. तो ये हमें क्लियर हो गया. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.